The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So हम बात कर रहे थे वीनोग्राफी की. वीनोग्राफी में बहुत सारे कारणों से वीनोग्राफी की जाती है, right? और आपके डॉक्टर आपको आपको ये भी बहुत ज़रूरी है बताना डॉक्टरों को, अगर हम कंट्रास्ट स्टडी कर रहे हैं, वीनस कंट्रास्ट स्टडी या आर्टेरियल कंट्रास्ट स्टडी, उस केस में कंट्रास्ट अंदर जाएगा तो क्या आपको कोई पुरानी बीमारी है, क्या आप प्रेग्नेंट हो, क्या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई दवा लेते हो, कोई एलर्जी है, ये सब बताना ज़रूरी है डॉक्टर को. और ज़्यादातर इन कॉन्ट्रास्ट में आयोडीन होता है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट होते हैं, राइट? ये आपको पता होना, तो आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट. फिर ऑब्वियसली ये वीनोग्राफी एक तरीके का एक्सरे हो सकता है या सीटी स्कैन. सीटी स्कैन हो तो सीटी वीनोग्राफी, वरना एक्सरे होता है, एक्सरे वाली वीनोग्राफी. सीटी वीनोग्राफी ज़्यादातर की जाती है आजकल, एक्सरे वीनोग्राफी कम ही की जाती है. सीटी वीनोग्राफी में ज़्यादा इमेजेस आ जाती हैं, 3D स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं नसों का, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी नस कहाँ तक चल रही है, कितनी ब्लॉक्ड है. तो सीटी वीनोग्राफी एक अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा टेस्ट है, जिससे कि बहुत सारे कारणों के लिए, राइट, वेन्स, अगर वेन में सुई नहीं घुस रही है, कैनुला नहीं डल रहा, तो भी कर सकते हैं वीनोग्राफी एक्सरे से. या फिर क्लॉट ढूंढने के लिए, क्लॉट्स कोई भी वेरिकोस वेन के सर्जरी के पहले ढूंढने के लिए कि कहाँ से कहाँ सर्जरी करनी है, कैसे करना है, राइट? और बाईपास प्रोसीजर के लिए वेन अच्छी है कि नहीं, वो ढूंढने के लिए, क्योंकि कई बार वेन भी वहाँ से निकलती है और वो बाईपास में जाके लगती है, ख़राब वेन थोड़ी लगा देंगे. और डायलिसिस के लिए, एक्सेस लेने के लिए भी बनती है. और किसी भी प्रकार की वीनस डिजीज़ के लिए भी आपको वीनोग्राफी कर सकते हैं. सो इसके लिए भी कोई मेजर प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन आपको कुछ घंटों के लिए, कई मतलब सेवरल आर, कई बार 4-6 घंटे के लिए डॉक्टर कहेंगे कुछ ना खाइए, सिर्फ क्लियर लिक्विड ले सकते हैं. और एज़ यूजुअल अपनी एलर्जीज दवाइयों के बारे में बताना है. सीटी स्कैन या एक्सरे से आपको होगा, आपको सुई के थ्रू मसल में नहीं, नस में आईवी इंजेक्शन लगेगा आपका कंट्रास्ट का. वो कंट्रास्ट के बाद फिर आपका एक्सरे वो लिया जाएगा और तुरंत, ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें, तुरंत हो जाता है. तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, उसको स्टडी किया जाता है, रेडियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं एक एक सेगमेंट को, और फिर बताते हैं कितने सेगमेंट में कहाँ कहाँ तक प्रॉब्लम है और क्या क्या बीमारियाँ हैं, क्या कर सकते हैं, राइट? और ऑब्वियसली ये एक टेस्ट है, इसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ. ट्रीटमेंट के लिए हमें अलग चीज़ की बात करनी होगी. ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट, टेस्ट इज़ डिफरेंट. सो वीनोग्राफी अगेन बहुत सारे कोई भी नसों की बीमारियों के लिए की जा सकती है. वीनोग्राफी और वीनस कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो हमें ये टेस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे पास, जो कि वेरिकोस वेन हो या पेट के अंदर कोई कहीं पर भी कोई खून की नस में प्रॉब्लम लग रही है तो ये कर सकते हैं, राइट? अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली इससे ज़्यादा सेफ है और इसलिए पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है. अगर कोई डाउट हो, कोई ज़रूरत हो, तो वीनोग्राफी ज़रूर की जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट्स, जो वेरिकोस वेन में टेस्ट्स होते हैं, ये दो टेस्ट होते हैं. और बाकी सारे बेसिक टेस्ट होते हैं, विटामिन प्रोफाइल और जनरल बॉडी टेस्ट, वो अलग चीज़ें हैं, वो करना है तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट केसेस हम करते हैं, राइट? और ऑपरेशन हो या जो भी हो, वो ट्रीटमेंट उसके बाद डिसाइड होता है कि कितनी बीमारी है, कहाँ तक बीमारी है, राइट? ऑलराइट,